एकदम नहीं हुआ। दीदी का बैंक बंद, बेचारी बहुत आशा में आई थी। मैं दीदी आज खर्चा करेगी दोस्तों, दीदी के पास बहुत पैसा है, बैंक से निकाल लिए बहुत। दोनों बहन सेम ही रहेंगे, बस कलर अलग अलग रहेगा। उसी दिन का ही सब पानी आ गया है, डूब जाएगा दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। तो नहा धो एकदम फ्रेश हो गए। जा रही है नंदिनी घूमने के लिए मार्केट, और बैंक का भी काम है दोस्तों। तो नंदिनी जाएगी, और इसका नहीं है, इसका बहन का है जो आई है ना दोस्तों, बड़ी बहन। तो कभी 3 साल बाद आई है पैसा निकालने के लिए, मतलब बैंक में है दोस्तों। 3 साल से रखा हुआ पैसा, वही निकालेगी। केवाईसी करना पड़ सकता है या तो देखिए, जो भी हो, इतना दिन से पैसे नहीं निकाली ना। अगर जो बोली निकलेगी तो जाएंगे फिर साक्षी, अगर जो नहीं निकलेगा तो हो सके, पता नहीं। अब उसका प्लान है, बोल रही थी दीदी की ऐसे निकल जाता ना तो निकलेगा। थोड़ा सा माथा पीछे पैसा है तो निकलेगा, पैसा है दोस्तों इसमें है इसमें। तो चले तो तब हम निकल रहे। दीदी आगे गई, दीदी आगे गई है क्योंकि बहुत देखेगा ना तो रोने लगे। हाँ। तो हम भी जा रहे जल्दी। तो चलिए आप लोग, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। तभी मैं नहीं गया था, बोले कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद अभी हम लोग निकल रहे। थोड़ा मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, मन कर रहा था पैदल जाए, फिर बोले नहीं, हम आशीष जी को उठा के साथ में देख रहे हैं। नींद में भकवेले बेचारा बोलते हैं, जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बैंक चलते हैं दोस्तों। बैंक पहुंच गया, अभी जा रहे बैंक के अंदर काम करने के लिए, ताकि काम हो जाता है, देखते होता है कि नहीं पता नहीं। पैसा जी भी आ गए हैं और पैसा भर रहे हैं, निकल जाएगा ना पैसा? उनको पता नहीं दोस्तों, अभी पैसा भर रहे हैं। बैंक का काम एकदम नहीं हुआ, दीदी का बैंक बंद, बेचारी बहुत आशा में आई थी, मगर कुछ हुआ नहीं। KYC फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी लोग बाहर निकलने जा रहे हैं। चलो तो पैसा बचा रही। देखिए दोस्तों पीछे भी ना, ये देखिए पकड़ गया। देखिए पीछे में भी भर के रखी थी, आगे में भर के रखी थी कि शायद मिल जाएगा, बहुत उम्मीद के साथ आए थे, मगर सब उम्मीद पानी में एकदम मिट गया। और कोई बात नहीं, कल मतलब KYC फॉर्म भर के उसके बाद फिर मिल जाएगा ना दीदी। तो आगे बर्मा में ही जाएंगे दोस्तों, मतलब दीदी को भी कुछ कुछ लेना है, और एक दो जन बोले हैं हरा सामान है ना तो चूड़ी लेने के लिए। तो चले वो भी चलते हैं मार्केट, थोड़े अभी दुकान ना खुला नहीं है, तो बोले तुम जाओ घूमो फिरो कुछ कुछ खाओ अपना दीदी के साथ, हम चले घर। हमारे दीदी आगे में इंतजार करी, क्या खाएगी? चल पहले सामान लेंगी, दुकान खुला ही नहीं तो सामान कहाँ से लेगी। दीदी आज खर्चा करेगी दोस्तों, दीदी के पास बहुत पैसा है, बैंक से निकाल लिए बहुत लंबा नोट। चलिए दोस्तों, शीतल शीतल भाई दुकान भी खुल गया, और उन्होंने आइसक्रीम भी खा रहे थे, और खाते खाते दो। इतना लेट क्यों खोलते भाई आप दुकान, बताइए तो। हाँ रोज नहीं आते ना ऐसे, रोज नहीं आते, सुबह शाम बैठे रहते हैं यहीं पे। एक चूड़ी कितना? 30 रुपये। भैया बोलेंगे ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो कैसे? अभी एक किलो सारा खोलेंगे आप ही, क्या रेट है हमको मालूम। अभी पूरा दुकान खोलेंगे भैया, अभी सारा सामान रखना पड़ेगा अपना अपना जगह में दोस्तों, तो उसके बाद फिर लेंगे चूड़ी उड़ी। दुकान पर भी खुल गया है, चूड़ी अपने लिए पांच वाला पतला वाला, एक पतला वाला जो दर्जन में आता है ना भैया, 12 चूड़ी आता है। चूड़ी लेगी दीदी, चूड़ी लेगी, और हम भी 2 दर्जन चूड़ी मेरे को बगल में बोलिए लेने के लिए, तो उनका भी चूड़ी ले लेते हैं। गोल्डन वाला उस दिन 90 रुपया बोल रहे थे, दिखाया हम उस दिन गया ना देख के, अच्छा लग रहा है ना आइसक्रीम। अब इसका मन देखिए कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या लेंगे। चप्पल दुकान है जैसे, चप्पल लेने के लिए भी देखिए क्या क्या लेंगे। कल से बैंक में नहीं निकला ना पैसा, तो एकदम नहीं रहेगा दोस्तों। तब देखिए आप क्या, अभी देखिए पसंद करी दीदी, साथ में हम भी आए, बाहर में खोली है चप्पल, हम अंदर पहन के आ गए। सोच हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं बेचारा दुकान का, तो हम कहाँ बोल रहे हैं तो हम गलत, हमको क्या पता दोस्तों, सभी चप्पल में करते हैं, हमको ध्यान नहीं रहा। तो चले अभी दीदी देख रही है चप्पल, देखती है कौन सा पसंद आता है। ले लो माही का नंबर का, नहीं याद है ये चप्पल दिखाएंगे, रुक जाता टाइम लगेगा।
स्टार्ट कर लिए अभी आप? अच्छे लग रहे हैं चप्पल। अच्छा चप्पल तो ठीक ही है। तो चुप रहा पहले, चुप रहा। इसको तो इसके इसके साथ मार्केट आना है दोस्तों, पूरा बेकार है। पूरा 10 दुकान घुमाएगी। 10 दुकानें यहाँ है पहले। हाँ चप्पल दुकान तो मनहारी दुकान तो कई घुमाई दो ये भी चप्पल ठीक ही लग रहा है। हाँ तो दिखा तो देखिए, मीना मीना टीका, मीना मीना टीका लगा हुआ है इसलिए सुंदर लग रहा ना। हाँ अच्छा लग रहा है इसका। देखो अभी पसंद कर लो और एक दो तो देख के। पाँच बजे देखेगी दोस्तों। अभी एक बार गिनती करेंगे हम अपने पैर में पहन के देख रहे। देखिए अच्छा लग रहा है। अभी ये है अभी चप्पल, इसलिए अभी नहीं लेंगे। क्या सोच रहे थे तुम्हारे चप्पल पैर में अच्छा लगेगा? क्योंकि मेरा थोड़ा मोटा घोटा पैर है ना, तुम्हारा लंबा है इसलिए समझी। मेरे पापा जी सब पैर में, पापा की बेटी है, पापा का पड़ी है एक ब्लैक। ये भी अच्छा लग रहा, सब अच्छा लग रहा, सब फ्लाइट का इसलिए लेंगे ना कि मेरे को। देखिए ये है फ्लाइट का, रोज यूज करना हमको। हम जैसा लिए है मेरा, देखिए फ्लाइट का एकदम पतला फीता वाला है। ये तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है डेली यूज करने के लिए। और लो देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच, पक्का 5 तो निकलवा दी चप्पल। आप थक जाइएगा भैया, चुप ना पहले, इसलिए मारेंगे तुमको। देख सकते हो दोस्तों इतना चप्पल निकलवा दी, इसमें से अभी कोई भी पसंद नहीं आ रहा। बस अभी ये दोनों पसंद आ रहे हैं तो दीदी बोल रही है एक तुम ले लो एक हम ले लो, है ना। अच्छा लगे ना, कहीं आने जाने मेरा है थोड़ा ही लो, नहीं पहनेगा अभी पसंद करके। अगर जो पसंद आया तो दोनों में से दोनों बहन सेम ही लेंगे, बस कलर अलग अलग रहेगा तो लेते हैं, देखते हैं ना। तो कलर एक ही रहेगा तो चलेगा, तो गाँव में रहेगी, हम रहेंगे जमशेदपुर में। ले लिए हैं और हम लोग निकल चुके हैं। अभी दो चप्पल लिए हैं, दीदी का एक मेरा, और अब जा रहे हैं घर डायरेक्ट, क्यों बाबू भी काफ़ी देरी से अकेला है और रोता भी होगा दोस्तों। करीब 2 हो गया, तो चलिए आगे घर चलते हैं और रास्ते में कुछ मिला तो उसके लिए खाने वाला सामान ले लेंगे। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट से। अरे देखिए जी, हम 2 चप्पल लिए। किसकी ली थी? वो मेरा है, वो दीदी का है। तेरा तो था ही। देखिए दोस्तों हम बोले ना, हो सके तो गुस्सा भी हो सके। तो था ना तो फिर क्यों ले गया? दीदी ली ना सेम, तो अच्छा लगने लगा तो दीदी बोली तुम भी ले लो हम भी। हाँ तो पैसा ज्यादा हो गया ना तो सेम करेंगे। अब पैसा ज्यादा नहीं था, 500 रुपए दे दिए दिए थे ना दोस्तों। तो हम सोचे ना आज खाते पीते आए तो पसंद किए, तो देखिए अच्छा लगा तो चलिए घर में आपको अच्छा से दिखाते हैं। अभी पता नहीं यहाँ पे बकरी गिर गया, कपड़ा उठा गए, बकरी गिर गया था क्या? भाग दादी का बाल पकड़ के जाता है वो डूबे में। तो पानी भी बहुत जोर आ गया, चूल्हा वूल्हा भी सब झापना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहे। तो अभी कोई बैठा हुआ है और सब बोल रहे हैं क्या लेके आई मेरे को दिखाओ। देखिए चप्पल लिए 2 से, ये दीदी का मतलब दो को है, तीन ही है। तू सब क्या पहन रही है चप्पल है? तो आखिर क्या है मैं तू आखिर बिजी कर दो। चल एक जो तुम उठा के हम उठा रहे हैं। चल दोनों सेम है, नंदनी वाला हम ले ले रहे। चल देखो दोनों सेम है। चल नंदी दिया ला हम ले लिया, तुम लक्ष्मी दे रहे ना। चलो गया, चलो गलो, चल जो दे ना ये। चल अपना को मेरा रख इसमें चप्पल, कहा है हम लोग का है इसमें भर हमार मीरा की मंदिर की। कितना करके, कितना बोलने से 260 रुपया करके देना दीदी? एक चप्पल 260 तो क्या, 2 चप्पल 260 धन्य मिला लिया। और जब चूड़ी है उनका दे देना क्या? हाँ हाँ मांग रही थी। चलिए तो आप लोग फिर देख लिए, दोनों बहन का सेम है। अब बारिश इतना जोर आ गया ना, मत पूछिए देखिए ना, बाप रे ठीक लग रहा है। सूख से पानी उतरा था, काफ़ी पानी भी गिरने लगा इतना जोर जोर का ना, देख सकते हैं। मौसम भी अच्छा है कि ठंडा हो गया मौसम, आने तो फिर बाप रे बादल भी गिर गए। अच्छा लग रहा ना मौसम पानी की तरह। और आशीष जी को ना बहुत जोर भूख लगा दो तरह को आप ही तो खा लिए। चल
तो ये ले तसला छानो ना ले जाके। क्या बोले वो रे फिर से डूबेगा, आज इतना बारिश नहीं गिरा जो डूबेगा। भगवान लड़का देखी भी नहीं क्या साड़ी क्या ये पता नहीं भागता कहाँ अब इतना निकला बहुत भयानक भागता तू जब तब जा रहे इसको ले के इसको थोड़ा सा खिलाएंगे इसके साथ। ये भी बोल रहे थे चप्पल चप्पल कर रहे थे मम्मी चप्पल इसको भी ला देंगे बाद में कभी चप्पल चप्पल लेके आते थे तुम बोले तुमको ना शायद नहीं पता था बोले कि बच्चा को लेके ही ना तभी बाप रे देखिए बहुत पानी भर गया है। अरे हट जाइए ना टूट गया है डाटा सबको सामान से हटाओ उसी दिन का ये सब पानी आ गया है फिर रास्ता अगर डूब जाएगा नंदे ले जाए नहीं हो जाएगा तो डब हो गया पानी आज छूटेगा नहीं गिरेगा करीब रात भर गिरेगा। हाँ देखिए आप हाँ देखते हैं रात भर ऐसे पानी गिरेगा कैसे जब पकड़ के रहते हैं तो चिल्ला पड़े पकड़े रहते हैं यहाँ ऐसे रोज फिर भरेगा फिर गिराते रहेंगे तो पूरा से चीना निकल जाएगा पटरा वहाँ पे डाल देंगे तो पानी नहीं गिरेगा। पटरा कहाँ रखा है लेके आओ वहाँ पे है लेके आओ काफी टाइम भी हो गया है देख सकते हैं खाना वाना बनाने का भी टाइम हो गया तब जा रहे हैं। मम्मी आएगी तो फिर डांट बहुत पड़ेगा कि खाना अभी तक बना नहीं है क्यों मार्केट करते करते लेट हो गया। इधर गुल्लू देखिए ना सब कुछ अगरबत्ती पगरबत्ती सब हिटते रहता है लड़का इतना बदमाश है। हमारा बहन अभी सभी को जा रहे अब खाना ना बनाएंगे क्या बनाएंगे पता नहीं जो मन कर दो बना दो खा लेंगे वो बनाए। अच्छा पर ठीक था ये बताइए ना हमको नहीं पहनना है ना हमको पहनना दोस्तों इनका मन नहीं था कि मेरे को लेके हम बस अपना मन का ले लिए इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और हमारे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों तब तक के लिए बाय 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 तब तक टाटा का मुझे बोलो मुझे बाय अप्लाई कीजिएगा तो हां मेरे को दे दो तो थोड़ा सा मेरे को किसी दे दो मामा को कैसे किसी दे दो देखिए दोस्तों बाय।